देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। देश और प्रदेश के स्कूल में कॉलेज में बच्चों को तालीम दिया जाना तो एक आम बात है, लेकिन इससे उलट सीतापुर जिले में नेपाल सिंह महिला महाविद्यालय ऐसा है जहां बच्चों को शिक्षा देने की बजाय अवैध शराब बनने के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। यह खुलासा जब हुआ जब आबकारी और पुलिस ने इस महाविद्यालय में छापा मारा। रेड पड़ते ही वहां से शराब से भरी एक वैगनार कार ने सीओसीटी योगेंद्र सिंह की गाड़ी को टक्कर मारते हुए भागने की कोशिश की, जिसमें सीओसीटी बाल बाल बच गए और उन्होंने भाग रही कार को पकड़ लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने इस महाविद्यालय में चल रही अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में अवैध शराब की कई हजार शीशियां, रैपर्स, अल्कोहल ढक्कन और शराब बनाने के उपकरण, ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर दो लोगों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए लोगों ने बताया कि शराब यहां से दूसरी जगह भेजी जाती है। खास बात यह है कि इस नेपाल सिंह महिला महाविद्यालय के प्रबंधक अभय सिंह पूर्ण ब्लॉक प्रमुख के पति हैं, जो काफी रसूखदार हैं। हालांकि मौके पर मौजूद एसपी प्रभाकर चौधरी ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। छापेमारी के दौरान आबकारी विभाग की टीम और सीओसीटी योगेंद्र सिंह समेत खैराबाद थाना प्रभारी सचिन कुमार सिंह और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।